वहीं 4 फरवरी को प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। येलो अलर्ट पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते मौसम में हो सकता है बड़ा परिवर्तन। लोगों से की गई सतर्क रहने की अपील। जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर जो मौसम है उसका भी मिजाज यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। 4 फरवरी को प्रदेश में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके चलते यहाँ पर जो बर्फबारी इसकी आशंका जताई जा रही है। और 4 फरवरी को प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश में जो लोग हैं वो आग जलाते हुए राहत पाने की पूरी कोशिश करें क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बर्फ प्रदेश में लगातार पड़ रही है और अभी पिछले दिनों भी काफी बर्फबारी यहाँ पर हुई है। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि एक तरफ देखा जाए जो पर्यटकी है उनको तो काफी आनंद यहाँ पर उठाते हुए नजर आए, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको काफी समस्याओं का से जूझना पड़ रहा है क्योंकि लगातार बर्फबारी से यहाँ पर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों में देखा जाए तो बर्फबारी से काफी ज्यादा परेशानी होती है और अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही तो उससे जो मैदानी इलाके वहां का जो तापमान है वो भी आगे बदलता हुआ नजर आता है। वहां पर शीतलहर का प्रकोप और जो कोहरा है उसका भी लगातार प्रकोप दिखता हुआ नजर आता है क्योंकि कोहरे के चलते जो वाहनों की गति वो भी काफी धीमी पड़ जाती है और यहाँ पर आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की जो गति है वाहनों की वो धीमी पड़ जाती है और इसको लेकर जो दुर्घटना आदि है एक्सीडेंट वगैरह वो काफी बढ़ जाती है उसकी जो संख्या है। तो यहाँ पर लोग लगातार अलाव जलाकर आग का सहारा लेकर अपने ठंड पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो वही मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि यहाँ पर सावधानी बरती जाए और प्रशासन की तरफ से भी लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरों को भी क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का भी कार्य पूरी तरह से किया जा रहा है।